दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो अभी के अभी एक सेटिंग चेक करना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर मैं एक रील वीडियो देख रहा था, मेरे सामने ऐसा कुछ आया जो देखकर मैं शॉक हो गया। इधर उधर के इन रिलेवेंट एड आते हैं, मैं सोच रहा था ऐसे ही एड आते हैं, लेकिन जब मैंने उस सेटिंग को चेक किया मुझे पता लगा इसके पीछे मेटा है। और इंस्टाग्राम किसका है? मेटा का है। आप ये चेक कर सकती हो इंस्टाग्राम ने आपके कितने सारे वेबसाइट को एक्सेस दिया हुआ है आपके मोबाइल का। जी हाँ दोस्तों, अभी आप चेक कर सकते हो इंस्टाग्राम में कितने सारे एक्सेस दिया रखा है आपके मोबाइल का। तो कैसे आप चेक करोगे? जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आप ऐसे ही स्क्रॉल करते रहेंगे, आपके सामने ना जाने कौन सा एड नेक्स्ट टाइम आ जाए। अगर आप जानना चाहते हो वो सेटिंग है क्या जिससे आपको ज़रूर से चेक करके आपको उस सेटिंग को कर लेना है, तो छोड़े इस वीडियो के, वीडियो को बिना स्किप करें आखिर तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्याश विगा, स्वागत है मेरे रोपनाल टेक्निकल फास्ट फोर्स में। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। तो मैं आपको इंस्टाग्राम में लेकर चलता हूँ। दोस्तों, मैंने देखा मेरे में जो 200 से प्लस ज़्यादा यहाँ पर जो एक्सेस है वो दिया रखा है, ठीक है। और ये जो परमिशन होते हैं आप खुद ही देते हो, ठीक है, हम खुद ही देते हैं वो परमिशन। तो यहाँ से आपको प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके प्रोफाइल में आना है, और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है ज़रूर से मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। तो ऊपर एक ये थ्री लाइन है, ये थ्री लाइन के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन है अकाउंट सेंटर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप ये सिलेक्ट करोगे नीचे यहाँ पर आओगे, नीचे देखिए ऑप्शन है योर इन्फॉर्मेशन एंड परमिशन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे नीचे देखिए ऑप्शन है योर एक्टिविटी ऑफ मेटा टेक्नोलॉजी, तो इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर देखिए रिसेंट एक्टिविटी, तो यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पासवर्ड पहले आपको मांगेगा, सो यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर लीजिए। मैं यहाँ पर पासवर्ड एंटर करके कंटिन्यू करता हूँ। जैसे आप यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर लोगे, और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए कितने सारे वेबसाइट और ऐप के यहाँ पर परमिशन दे रखे हैं मेटा ने, देख सकते हो यहाँ पर, देख सकती है। देखिए 200 प्लस था मेरे दूसरे अकाउंट में, इसमें तो भी होंगे बहुत सारे, मैंने वहाँ से बहुत सारे यहाँ पर इसे हटा दिया है, देख सकते हो यहाँ पर। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ से कीजिए बैक, ठीक है, और नीचे देखिए ऑप्शन है क्लियर प्रीवियस एक्टिविटी, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लियर ऑप्शन है, क्लियर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको इसे क्लियर कर देना है, ठीक है। क्लियर प्रीवियस एक्टिविटी, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्टिविटी क्लियर हो चुका है, फिर आपको यहाँ से बैक करना है, फिर यहाँ पर देखिए डिस्कनेक्ट, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है मैनेज, नीचे ऑप्शन है मैनेज फ्यूचर एक्टिविटी, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर देखिए डिस्कनेक्ट फ्यूचर एक्टिविटी, इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ से करना है कंटिन्यू। जैसे यहाँ से कंटिन्यू करोगे यहाँ पर देखिए डिस्कनेक्ट फ्यूचर एक्टिविटी, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर ये सभी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लियर करना है, फिर डिस्कनेक्ट करना है। इससे होगा क्या, इससे ये प्रॉब्लम ऐसे होता है कि वे हम खुद ही ये परमिशन दे रखते हैं। जैसे डिफरेंट वेबसाइट या फिर ऐप के अंदर हम इंस्टाग्राम से लॉगिन कर लेते हैं और उसका सारा एक्सेस इंस्टाग्राम के पास चला जाता है, और ऐसे में उस तरीके से एक्टिविटी यहाँ पर रन करता है, उस हिसाब से ऐड आते हैं, और आपका जो सिक्योरिटी है वो भी कहीं ना कहीं आप लूज़ करते हो। तो आपको सबसे पहले क्लियर करके आपको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देना है। आई होप आपको ये बहुत ही सिंपल सा लगा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से आपको ये कर लेना है, ताकि आपका जो सारे अकाउंट्स हैं वो भी सिक्योर रहें, आपका इंस्टाग्राम भी सिक्योर रहे, और आपको आलतू फालतू के एड भी आपको देखने को ना मिले। ज़रूर से ये चेकआउट करके आपको यहाँ से क्लियर करके डिस्कनेक्ट कर लेना है। तो वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, ज़रूर से वीडियो पर लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।